डिटेल्ड चर्चा हुई कि किस किस तरीके के कैंपेन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे, कैसे एक एक बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे, एक एक बूथ पे बूथ योद्धा तैयार करेंगे, ताकि अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को मानने वाले, उनसे सहमति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट किया जा सके चुनाव के समय। उसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा हुई है, अलग अलग तरह के कई सारे कैंपेन्स के ऊपर कि कैसे कौन सा कैंपेन किस समय पे चलाया जाएगा उसकी चर्चा हुई। लोकसभा वाइज आने वाले समय में रैलियां प्लान की गई हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें सारी सीनियर लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व होगा, सुनीता केजरीवाल जी भी, मान साहब भी, सारे लोग उन रैलियों को अटेंड करेंगे, वहाँ पे आएंगे और हरियाणा के लोगों तक, एक एक जन जन तक, एक एक गांव तक वो संदेश पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है और जो वो दिल्ली और पंजाब के अंदर अच्छे काम करके दिखा चुके हैं, वो सारी बातें लोगों तक पहुँचाएंगे और पूरी ताकत के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल पार्टी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी अपनी खुद की मजबूत टीम तैयार करने जा रही है। हम पूरी ताकत, पूरी जान लगा के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप जी के साथ हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक हुई। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के चुनाव आने हैं, उस चुनाव को लेकर गहन चर्चा की गई। हरियाणा के अंदर हमने जनसंवाद शुरू कर दिया है। हरियाणा के हर एक गांव में, शहर के हर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी की टीम जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है, वहाँ की जो समस्याओं की जानकारी ले रही है, उनको कैसे हल कर सकते हैं उसके उपाय सोचे जा रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के बेहतरीन काम उनको बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार हम हरियाणा के भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, किस प्रकार हरियाणा की शिक्षा अच्छी हो, कैसे दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, बच्चों को रोज़गार मिले, नशा ख़त्म हो, इन सभी मुद्दों पर वहाँ चर्चा हो रही है। हमने तय किया है कि लोकसभा वाइज हमारी रैलियाँ होंगी, उन रैलियों के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी जाएंगे, हरियाणा के सारे लीडरशिप वहाँ पे चलेगी और उसको मजबूती से हम काम करेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा वाइज और जिला वाइज भी हमारे अलग से बैठकें इसमें सुनिश्चित हो गई है। जिला वाइज संदीप पाठक जी भी खुद जाएंगे और हर जिले के अंदर बैठ के हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। इस चुनाव को मजबूती से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी की आज एक लंबी बैठक हुई,